नमस्कार, मुँ विजयलक्ष्मी आपण प्रिय आईना कार्यक्रम को स्वागत जनाऊँ। आन्तर्जातीय भविष्यत मानव सम्बल अनुष्ठान पुरी पक्षरु हिरोसीमा दिवस बुद्ध मन्दिर परिसरले अनुष्ठित हुँदैछ। कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्थिले कवि सुसंयोजक शिक्षाविद शिवसुन्दर मिश्र। प्रारम्भरे अनुष्ठानर आवाहक ज्योतिर्विद अनामचन्द्र साहु प्रारम्भिक सूचना प्रदान गर्वा सहित दिवसर आभिमुख्य वर्णना गर्थिले। सम्मानित अतिथि भावे गिरिजाशंकर पाढी, शिक्षाविद प्रभासचन्द्र मिश्र, सांबादिक लक्ष्मीनारायण पटनायक, रोटरियान रविनारायण साहु, शिक्षाविद सदाशिव मिश्र, डॉक्टर राधेश्याम रथ, डॉक्टर कार्तिक कुमार दास, दासरथी महापात्र, डॉक्टर बलराम दास, जोगेश्वर प्रहराज, सुकांत कुमार पंडा, भवानी प्रसाद बलियार सिंह और तपन कुमार सेठी जोगदे कहते जे शांति ही संहतिर प्रतीक, यहाद्वारा विश्व में भ्रातृत्व भाव प्रकाश पाइब। भारत सदा सर्वदा विश्व को शांतिर बार्ता प्रदान करसुचे। जेतेबेले द्वितीय विश्वजुद्ध चलता सेतेबेले जापान हिरोसीमा सहर उपरको 1945 मसीहा अगस्त मास 6 तारीख आजिका दिवस आमेरिका परमाणु बोमा पकाई एथिरे 20,000 सैनिक और 70,000 रु अधिक नागरिकंकर मृत्यु घटीथिला। सकाळ 8:16 समय रे परमाणु बोमाटी पड़ीथिला। परमाणु बोमा द्वारा 2.5 किलोमीटर व्यासार्ध अंचल सबकिछि ध्वंस होइ जाइथिला। एहा थिला सेतेबेलर लोमहर्षक घटना, जहां आज भी प्रत्येक वर्ष अगस्त मासरे आमको चेताई देउछि। किंतु वर्तमान विश्वर शांति और संहति पई आंभे समस्ते शपथ नेबार आवश्यकता रहिछि। आगामी पीढ़ी को सचेतन करबा नित्यांत आवश्यक। कार्यक्रम अवसर में विश्व में शांति प्रतिष्ठा पाई 2 मिनिट नीरव प्रार्थना करा जाई थिला। परिशेष रे उमेश चंद्र दास समस्त को धन्यवाद अर्पण करथिले। श्रीमंदिर गर्भगृह और रत्न सिंहासन संपूर्ण सुरक्षित रही। केवल रत्न सिंहासन पछपार्श्वर लाइम प्लास्टर खंड खसी एएसआई यार अनुधान कर आसंता वर्ष रथयात्रा समय पुनः प्लास्टरिंग कार्य गत किछ मास धरी परिचालना कमिटी बैठक में जोग देन एएसआई आज आलोचन अंशग्रहण कर तेज भितर रत्नभंडार मरामति नहीं श्रीमंदिर प्रशासन पक्ष कौन चिठी लिखा जा ना स्पष्ट कर एएसआई सुपरिटेड अरुण मल्लिक। श्रीमंदिर प्रशासन पक्षर एएसआई को अनुरोध पत्र आसिले रत्न भंडार जांच आज नीलाद्री भक्त निवास गजपति दिव्य सिंह देव अध्यक्षत बसिता परिचालना कमिटी बैठक में अनेक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नि चलित बर्ष स्नान जात्रा और रथयात्रार समीक्षा करसंता वर्ष किभली कौन सेवायत श्री विग्रह सम्मुख न रही से नहीं प्रस्ताव आसी छतीसा निजोग एने आलोचना दीर्घ 2.5 वर्ष हे बंद रही गुंडीचा मंदिर मराम कार्य सर खुब शीघ्र यह भक्तों पर खोल तेज गुंडीचा मंदिर आड़प मंडप और रोष घर भितर को भक्त श्रद्धा जापारे ना। श्रीमंदिर सेवायत पर विद्यार्थी आदर्श गुरुकूल निम्ते गठित होता सोसाइटी और एमओयू संपर्क में परिचालना कमिटी विस्तृत भाव आलोचना करोटे एथपाई 14 एकर अधिक जमी चिन्हट हो बिर्ला एडुकेशन सोसाइटी एमओयू कर खुब शीघ्र यह आरंभ कर भक्त निवास गजपति दिव्य सिंह देव अध्यक्षत अनुष्ठित बैठक एमओयू संपर्क में विस्तृत आलोचना गुरुकुल एमओयू सर्तावली और चिट्ठा एमओयू को परिचालना कमिटी मोहर मारी गुरुकुल निर्माण निम्ते सुप्रीमकोर्ट पक्ष 6,19,98,202 टंका मंदिर बैंक आकाउंट को ट्रांसफर कर गुरुकुल निर्माण बाकी खर्च राज्य सरकार बहन करे। गुरुकुल निर्माण में राज्य सरकार अभड़ा योजन 20 कोटी टंका ऊर्ध अटकल कर बैठक में सेवायत बासगृह योजना को मोहर लगी। हरचंडी साहि और माटिमंडप साहि मौजार 5 एकर अधिक जमी चिन्हट हो हरचंडी साहि मौजार जमी मापचुप और अधिग्रहण प्रक्रिया आरंभ हो सारी खुब शीघ्र यह आरंभ हो प्राथमिक भाव 400 बासहीन और गरीब सेवायत को बासगृह जगह दिजिव। पूर्व लैंड सबकमिटी बैठक निष्पत्ति को मोहर मारी परिचालना कमिटी बैठक में श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक जिलापाल एसपी श्रीमंदिर परिचालना कमिटी समस्त सदस्य उपस्थित थिले। आज आम परिचालना कमिटी बैठक होता से बहुत गुड़ा एजेंडाटा डिस्कशन है
प्रथमटा आमर 21/5/2022 और 7/6/2022 रे जो अनुष्ठित होता परिचालना कमिटी बैठक तार विवरणी को दृढ़ीकरण करागला। तापरे आमर पूर्व जो परिचालना कमिटी बैठक होता तार अनुपालनता जो होता ताऊपरे आलोचना करागला। यहाँ पर दीटा इम्पोर्टेंट विषय उपरे परिचालना कमिटी आलोचना कले। गोटे आमर जो स्नान यात्रा समीक्षा हैला और रथ यात्रा समीक्षा हैला से परिचालना कमिटी सजेशंस भी देले जो थे कि आम नेक्स्ट ईयर रे केमती और भली प्रकार रे आमर स्नान यात्रा और रथ यात्रा को करी पारिबु ता उपरे भी आमर निष्पत्ति नियागला। और यहाँ पर गोटे निष्पत्ति और है कि आम 36 नियोग संघ्रे भी गोटे मीटिंग करू जो थे कि ताको भी सजेशन नियाजीबो कि केमती आम रथ यात्रा और स्नान यात्रा को और भली प्रकार रे करी पारू। तापर आमर आदर्श गुरुकुल संपर्क रे आलोचना करागला। आदर्श गुरुकुल जो स्थापित कराजीबो तापाई आमर जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन करा जीवो से सोसाइटी रजिस्ट्रेशन पाई ऑलरेडी आवेदन चली जाई। तापर आमर एमओयू करा जीवो बिरला फाउंडेशन संग्रे जोटा कि आदर्श गुरुकुल रन करीबे सो तार ऊपर भी आलोचना करा गला। तो यहाँ को आमर निष्पत्ति है कि केमती आम ताको स्पीड अप करी पारिबो प्रोजेक्ट को और शीघ्र अति शीघ्र काम आरंभ हो पारिबो। यहाँ पर आमर श्री मंदिर सेवक बासगृह उपरे आलोचना करा गला। ताका बासगृह स्कीम रे भी आमे प्लांटा प्रस्तुत कलु से प्लांटा भी अप्रूव करा गला। से भी तापाई भी परिचालना कमिटी आमको निर्देश देले कि खूब शीघ्र अति शीघ्र कार्यटा आरंभ करा जाओ। तो यहाँ पाई भी आमे 3-4 मास भीतर प्लान करूचु कि केमती आमे काम आरंभ करी पारिबु सेहा पाई भी चेष्टा चालीची। यहाँ व्यतीत आमर जो आगरु लैंड सब कमिटी रे बैठक हेतिला से ही लैंड सब कमिटी बैठक रे अनुमोदन करा गला। अन्य अन्य विषय रे आमर जो HDFC संग्रह गोटे ऑनलाइन सिस्टम चालीची बुकिंग पाई गेस्ट हाउस बुकिंग पाई तापाई जो MOU करा जीवो से MOU पाई भी परिचालना कमिटी अप्रूवल देले। सेटा करके आम ऑनलाइन रे और केमती सिस्टम को भलो करी पारिबु तापाई भी आमको परिचालना कमिटी निर्देश देले। और यहाँ व्यतीत परिचालना कमिटी रे आलोचना हैला कि गुंडीचा मंदिर आम केमती भक्त मान खोला रखी पारिबु जो थे कि नॉर्मल टाइम रे भी भक्त माने गुंडीचा मंदिर रे दर्शन करी पारिबे जाई पारिबे मंदिर को। तापाई आमर प्रथमटा तो रत्न सिंहासन बैरिकेड हम ताकि रत्न सिंहासन पाखरे जाई पारिबे नहीं और आमर रोसाघर भी बैरिकेड हम जोटा कि जाई पारिबे नहीं। अन्य जगह रे भक्त माने जाई पारिबे मंदिरटा खुला रहिबो एटा भी निष्पत्ति नियागला सेटा अरेंजमेंट करा जीवो तापरे एटा खुला रहिबो भक्त मान पाई ए सबु विषय रे आज आलोचना करा गला। मेन आमर जो आसला कि केमती आम रथ उपरे जिते बड़े ठाकुर रहउचंती लोक माने केमती भली प्रकार दर्शन करी पारिबे कि आमर सेवक माने एमती ठिया हेबे रथ उपरे कि भक्त माने दर्शन भली प्रकार करी पारिबे एटा गोटे इम्पोर्टेंट निष्पत्ति नियागला। द्वितीय निष्पत्ति हैला आमर के जिते परिचालना कमिटी बैठक जो आम देखल अच्छी मीटामाटी सुरक्षा परिषद पक्ष समस्त दाबी पत्र दिया आज आलोचना किसी कर देखु आज जहाँ आलोचना है जहाँ एजेंडार जेहेतु बहुत जिनस विषय सूची भितर थिला से संपूर्ण अन्यान्य आज आलोचना हो पारा ना तो आज इनकम्प्लीट अच्छी तो जी थिला एजेंडार से गुड़िक आलोचना हो गला। लैंड सब कमिटी जो मीटिंग आलोचना होता ता देहरे गोटे मीटिंग जहाँ आलोचना होता से विषय उपस्थापित होला
ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏବେ ଯେଉଁ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସମୟର ସ୍ୱଳ୍ପତା ଥିଲା, ଅନେକ ବିଷୟ ଥିଲା ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁକା, ଦାନଯାତ୍ରା ରଥଯାତ୍ରା ସମୀକ୍ଷା ହେଲା, ତା ବ୍ୟତୀତ 21-5 ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ହୋଇଥିଲା ତା'ର ବିବରଣୀ ଦୃଢ଼ୀକରଣ କରାଗଲା, ଆକ୍ସନ୍ ଟେକେନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା, ତା ବ୍ୟତୀତ ଗୁରୁକୁଳ ଏବଂ ସେବକ ଆବାସ ଯୋଜନା ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ତେଣୁ ସମୟର ନା ସେ ବିଷୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଆଜି ସମୟର ସ୍ୱଳ୍ପତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ନାଇଁ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସମ୍ପର୍କରେ ବି ଆଲୋଚନା ହୋଇନି। ନାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟରେ ଆମେ ନୋଟ୍ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସମୟର ସ୍ୱଳ୍ପତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଗୁରୁକୁଳର ଆଜି ବାଇଲ ତା'ର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଆଜି ଫାଇନାଲ୍ ହୋଇଗଲା, ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ ଡିମାର୍କେସନ୍ ତ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଚିହ୍ନଟ ହୋଇସାରିଲାଣି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମର ଗୁରୁକୁଳର ତା'ର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ବୋଧେ ଏହି ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ ଏକାଡେମିକ୍ ସେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁରୁକୁଳ ପାଇଁକା ଆମର ମାଟି ତୋଟାରେ 14 ଏକର 206 ଡେସିମିଲ୍ ଜାଗା ଆମ ମନ୍ଦିରର ଅଛି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଯାହା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ ରେକର୍ଡ଼ ଅଛି, ତେଣୁ ତା ଉପରେ ଗୁରୁକୁଳ କରାଯିବ, ଯାହା ଯେଉଁଥିପାଇଁକା ବେଦାନ୍ତ ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଅଛି ବିର୍ଲା ସହିତ, ବିର୍ଲା ଏଜୁକେସନ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ସହିତ ତା'ର MOU ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ଗୁରୁକୁଳର ସୋସାଇଟି ଗଠନ କରାଯିବା ପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା, ତାକୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ୀକରଣ କରାଗଲା। ଗୁରୁକୁଳର ପ୍ରଥମ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡ଼ି ସିଏ ମଧ୍ୟ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଫାଇନାଲ୍ କରାଗଲା। ତା ବ୍ୟତୀତ ସେବକ ଆବାସ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। 2 ଜାଗାରେ ଆମର ଆଜି ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, ପୂର୍ବରେ ମାଟିତୋଟାରେ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ମାଟିତୋଟା ସେବକ ଆବାସ ଯୋଜନା ମାଟିତୋଟାରେ ହେବା ବେଶୀ ସେବକମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ନାହିଁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ବୈଠକରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲୁ ମାଟିତୋଟା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମନ୍ଦିରର ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ଜାଗା ଅଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସେଠି କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଅନୁସାରେ ହରଚଣ୍ଡୀ ସାହି ଏବଂ ମାଟିମଣ୍ଡପ ସାହି ଗଛକାଳୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଏଇ ସେବକ ଆବାସ ଯୋଜନା ହରଚଣ୍ଡୀ ସାହିରେ ପ୍ରାୟ 3 ଏକର 183 ଡେସିମିଲ୍ ଏବଂ ମାଟିମଣ୍ଡପ ସାହିରେ 2 ଏକର 811 ଡେସିମିଲ୍ ଜାଗାରେ ଆମେ ସେବକ ଆବାସ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହରଚଣ୍ଡୀ ସାହିରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ଯୋଡ଼ିଏ ବ୍ଲକରେ ହରଚଣ୍ଡୀ ସାହିରେ ଯେଉଁ ହେବ ଆମର ଆବାସ ଯୋଜନା ସେଥିରେ ଯୋଡ଼ିଏ ବ୍ଲକରେ 224 ଆବାସ ବାସଗୃହ ପାଇଁକା ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଅଛି। 2 ବେଡ଼ରୁମ୍ ଯୋଡ଼େ ବେଡ଼ରୁମ୍ ଯୋଡ଼େ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଲିଭିଂ ଏରିଆ ପ୍ଲସ୍ ଟଏଲେଟ୍ 2 କିଚେନ୍ ପୂଜା ରୁମ୍ ଡାଇନିଂ ରୁମ୍ ଏହିସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ତା ବ୍ୟତୀତ ସେଠି କମ୍ୟୁନିଟି ରୁମ୍ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ରଖାଯିବ, ତେଣୁ ଯାହା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ଏସ୍ଆଇ ସହିତ। ଏସ୍ଆଇ ଯେହେତୁ ବିଗତ କିଛି ମିଟିଂରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହୁଥିଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବ ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ସଭାର ସଭ୍ୟମାନେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କେଉଁଥିପାଇଁକା ସେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିପାରିନଥିଲେ ତା'ର କାରଣ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ଆଶ୍ୱାସ ଦେଇଥିଲେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଏଠୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହୋଇଯାଇଛି ଅନ୍ୟ देखिए जो ये समाचार हमें मिला था कि रत्न सिंहासन से पीछे से एक लाइम प्लास्टर गिरा है, जिसके ऊपर हमने चर्चा की, टेंपल एडमिनिस्ट्रेशन से भी मेरी बात हुई, चर्चा हुई, और उसके बाद में हमारा एक टीम जाके इंस्पेक्शन किया उस स्पॉट का, जिसके अंदर टेंपल एडमिनिस्ट्रेशन से इंजीनियर साहब भी थे और कमांडर साहब भी थे। वो तीनों ने आकर के जो हमें बताया, जो इस तरह से हम लोग को पता चला है,
वो रत्न सिंहासन के पीछे का एक कॉर्नर से एक छोटा सा प्लास्टर का टुकड़ा गिरा है। उस प्लास्टर के टुकड़े को गिरने से रत्न सिंहासन को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो एक सिंपल प्लास्टर है। स्टोन जो भी है, जो बेस है उसका एकदम इंटैक्ट है, पहले भी इंटैक्ट था। प्लास्टर हमने उस पर सैक्रिफिशियल लगाया था टू रिस्ट्रिक्ट दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज कॉकरोचेस वगैरह पर चढ़ते, उसको रोकने के लिए लगाया था। तो उससे उसका कोई रत्न सिंहासन को कोई नुकसान नहीं है। जहाँ तक रही बात उसकी रिपेयर की, नीति चालू है, भगवान रत्न सिंहासन पर विराजमान है, और अब ये जो छोटा सा रिपेयर भी है वो अगले रथ यात्रा में लिया जाएगा, ऐसा हमने MC मीटिंग में आज बताया है। तो इस पर कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग जरूर इसको टेकअप कर लेंगे। देखिए ये अब ये ऐसा दोबारा ना हो कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये तो फ्लैट सरफेस से गिरा है, कॉर्नर से गिरा है। ये कैसे गिरा है अब ये जो वहाँ पूजा पंडा है उन्हीं को पता है, क्योंकि वो हो सकता है कि किसी चीज़ से टकरा के टूटा। नहीं, ह्यूमिडिटी से नहीं, प्लास्टर कई सालों से है, ह्यूमिडिटी से नहीं हुआ ये। सर रत्न भंडार का है, इस साल ये प्लास्टर हुआ था या नहीं? बहुत साल पुराना प्लास्टर है। रत्न भंडार के बारे में क्या कुछ बताइए, रत्न भंडार का स्थिति क्या है? गजपति महाराज भी इसके ऊपर बहुत सारा चर्चा की। देखिए रत्न भंडार जहाँ तक बात है, रत्न भंडार का जो कंट्रोल है वो हमारे पास नहीं है। ASI पास रिक्वेस्ट आएगी कि रत्न भंडार का इंस्पेक्शन करके असेसमेंट करें, कंजर्वेशन नीड्स को पहचान स्टडी करें और कंजर्वेशन करें, तो ASI विल टेक अप द वर्क ऑन द प्रायोरिटी बेसिस। आप लोग तो ये रिपोर्ट दिए थे तो 2018 में भी जो इंस्पेक्शन हुआ था वो कम्प्लीट नहीं हुआ था। कम्प्लीट इंस्पेक्शन के लिए हमें पूरा खोल के दिया जाए और हमें उसको देखने दिया जाए, और इंटरवेंशन के लिए प्रॉपर समय और प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए SGTA से। हम लोग उस काम को जरूर टेकअप करें। सर उसका प्रोसीजर क्या है, कौन रिक्वेस्ट करेगा ASI को? ASI को रिक्वेस्ट आना चाहिए टेंपल एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि वो तो लॉक इन की में है। वो लॉक इन महामनीषी पंडित नीलकंठ दासଙ୍କ 138ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଦ୍ୱାରିକାନାଥ ଭବନରେ ଶୁକ୍ରବାର ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷାବିତ କବି ସୁସଂଯୋଜକ ଶିବସୁନ୍ଦର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଅତିଥିଗଣ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସମ୍ମୁଖରେ ଧୂପ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ପୂର୍ବକ ପୁଷ୍ପାର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଅଧ୍ୟାପିକା ବାସନ୍ତୀ ଦେବୀ ବେଦପାଠ କରିବା ସହିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କ ଜୀବନାଦର୍ଶ ସମ୍ପର୍କିତ ସୁଦୀର୍ଘ କବିତା ପାଠ କରିଥିଲେ। ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅନାମଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ସ୍ମୃତି ସମିତି ଏବଂ ପୂଜ୍ୟପୂଜା ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। କବି ମାନସ ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର, ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଗିରିଜାଶଙ୍କର ପାଢ଼ୀ, ସମାଜସେବୀ ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭାବାନ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ସାହିତ୍ୟରେ ଦେଶପ୍ରେମ ଏବଂ ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି। ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିକୁ ସେ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଓଡ଼ିଶାର ସାହିତ୍ୟ, ସାମ୍ବାଦିକତା, ସମାଜସେବା, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା ପାଇଁ ଅତିଥିମାନେ ଯୁବ ଛାତ୍ରଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ମେଟ୍ରିକ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଉପରେ ବକ୍ତୃତା ପ୍ରତିଯୋଗିତାର କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ବହୁ ସୁନାମଧନ୍ୟ କବି ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କ କୃତି ଓ କୃତିତ୍ୱକୁ ନେଇ ସ୍ୱରଚିତ କବିତା ପାଠ କରିଥିଲେ। କବି ପ୍ରମିଲ କୁମାର ନନ୍ଦ, ଯୋଗେଶ୍ୱର ପ୍ରହରାଜ, ଉମାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ସଦାଶିବ ମିଶ୍ର, ସାମ୍ବାଦିକ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଭବାନୀ ବଳିଆର ସିଂ, ଶିଶୁ ସମାଚାର ସମ୍ପାଦକ ସୁକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ମନୋରମା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ କବିତା ପାଠ କରିଥିଲେ। ଅଧ୍ୟାପିକା ବାସନ୍ତୀ ମିଶ୍ର ଓ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ କହିଛୁ ପ୍ରାଧ୍ୟାପିକା ବାସନ୍ତୀ ଦେବୀ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାହିତ୍ୟିକ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପୁରୀ ନାରୀ ସେବା ସଂଘର ସେକ୍ରେଟେରୀ ଏବଂ ବହୁତ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଲେଖା ପଢ଼ା ଗୀତ ଏବେ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଗୀତ 3 ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି। ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି କ'ଣ କ'ଣ ସେଥିରେ ରହୁଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ?
आज महामनीषी पंडित नीलकंठ दास पंचशखा भितर प्रमुख तांकर 138तम जयंती पालन करा जाउछि। एही बासस्थान होउछि तांकर कनिष्ठ कन्या सुकन्या माँ रमा देवी घर एवं आडभोकेट द्वारकानाथ दास तांकर कनिष्ठ जामाता। तेणु एठाने प्रतिवर्ष करू अवश्य बासस्थान करूनि विभिन्न स्कूल रे पिलांकर भितर कंपिटिशन करी तांकर सेठी प्राइज दे स्कूल मानकर करू। एबे त देखुछन्ति कौन स्कूल रे वर्तमान ये करोना हला परठारु कई विशेष आग्रह नौना तेणु आज आम से समुद्रकूल पाखे बैटरी स्कूल पिलांकर भितर कंपिटिशन करेछु पंडितंकर से पिला माने एवं तांकर गार्डियन मान समस्त आसिछन्ति आउ सेमानंकु पुरस्कार दियाजिबो एवं पेते कराजिबो। आसंतु नेबा टिके विरति, विरति पर अन्यान्य खबर। पुरी सहरर विश्वस्त एवं सर्व पुरातन लुगा शोरूम संतोष एवं नुआ रंग रूप एवं नुआ स्थानरे न्यू संतोष नामरे खोला जायछि। एथरी सुटिंग सेटिंग सह उभय जेंट्स एंड लेडीज गार्मेंट्स उपलब्ध। सहित विमल डायमंड क्रासिम इंटेग्रिटी लॉमेन मयूर और अरविंद भाई ब्रांड सुटिंग सेटिंग रेडीमेड सह ब्रांडेड कॉस्मेटिक उपलब्ध। तेज थे बुले आसतु ना न्यू संतोष मौसीमा टेम्पल नियर साहू सुपर बजार ब्रांड रोड पुरी। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଦେବ ମନ୍ଦିର ଦୋଳବେଦୀ କୋଣଠାରେ ଦୀନ ଦରିଦ୍ର ଦୁଃଖୀ ରଙ୍ଗୀ ଓ ଅସହାୟ ଭିକ୍ଷୁକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଅନ୍ନଦାନ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅପହୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ବଦାନ୍ୟ ଧର୍ମପ୍ରାଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଅନ୍ନଦାନ ରୂପକ ମହାଦାନରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଦେବ ପରିଚାଳନା କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଦୋଳବିଧି ପୁରୀ। ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ଫର୍ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର୍ସ ଓଭର ଫୋନ 06752294385 9439284794 9040370001 ନ୍ୟୁ ଜନତା ଫାର୍ମା ଭିତର ଛ ଭବନ ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହି ପୁରୀ 752001 ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9439284794 9040370001। ବିରତି ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏଥର ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଇନାରେ। ଯୋଗାଯୋଗ ପଥୁରିଆ ସାହି ହାତଯୋଡ଼ି ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଚାର ସମିତି ସମ୍ମୁଖ। ନମ୍ବର 9437185969।